हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. बेटा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू फैमिलियराइज यू विद द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. एंड द बेटा ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी 1757. And the main purpose of British rule in India was to use Indian economy as a feeder economy for the development of British economy. British colonial rule tempered the Indian economy very badly. They exploited India's natural as well as human resources for the glory of their own country. Finally, after 200 years of British rule, India gained independence from them on the 15th August 1947. But the primary objective of British colonial rule in India was to turn India as a supplier of raw material and as a consumer of finished good. Then we discuss the level of economic development before arrival of Britishers or before British rule. India was well known for its handicraft industries in the field of cotton and silk textile, metal and precious stone works, etc. These products enjoyed a worldwide market based on the reputation of fine quality of material used and the high standards of craftsmanship seen in all imports from India. And the foundation of British Empire in India was laid by Battle of Plassey in 1757. डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. जो इकोनॉमिक पॉलिसीज कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडिया में बनाई वो मेनली उनके अपनी कंट्री के लिए, उनकी होम कंट्री के प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए थी, ना कि वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए थी. और ये जो पॉलिसीज बनाई गई वो इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चेंज लेकर आई. ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया और उन्होंने हमारी कंट्री को केवल एक नेट सप्लायर बना डाला रॉ मटेरियल्स का और कंज्यूमर बना दिया फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का. और वो गुड्स हमारे पास ब्रिटेन से आते थे, जिसके कारण हमारी कंट्री की ग्रोथ रेट फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी केवल 2% से भी कम रह गई और हमारी जो ग्रोथ रेट थी पर कैपिट आउटपुट की वो केवल 0.5% रह गई. साथ ही साथ अब उस टाइम पर हमें पता लगाना था कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और उसे जज करने के लिए हमें नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का डेटा चाहिए था. बट कोई भी सिंसियर अटेम्प्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा हमारी इंडिया की नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम को मेज़र करने के लिए नहीं किए गए. कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स हमारे एक्सपर्ट्स लाइक दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फिंडे शिराज एंड वी के आर वी राव एंड आर सी देसाई जी ने किए. और ऑल दीज एस्टिमेट्स प्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स. किसी के भी रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बट जो एस्टिमेट्स थे डॉक्टर वी के आर वी राव के नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम पर, देवर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट. So this is the answer of your 1 mark question also. So learn this properly. बहुत सारी स्टडीज़ ये रिवील करती हैं कि जो कंट्री की ग्रोथ थी, ठीक है, और जो हमारा रियल आउटपुट था फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में वो 2% से भी कम था और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ केवल 0.5% थी. नाउ वी डिस्कस द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन फंडामेंटली एग्रेरियन. उस टाइम पर हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रेरियन थी, एग्रीकल्चर बेस्ड थी और करीब 85% से भी की करीब हमारी पॉपुलेशन विलेजेस में रह रही थी और एग्रीकल्चर से अपनी रोजी रोटी कमा रही थी. बट फिर भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो स्टेगनेंट और डिटोरेट था. अब हम पढ़ेंगे कि बेटा इसके स्टेगनेशन एंड डिटोरेशन के क्या रीजंस थे. द मेन रीजंस फॉर स्टेगनेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज लैंड सेटलमेंट सिस्टम और ज़मींदारी सिस्टम. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट हमारा रीज़न था हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेगनेशन का. इस सिस्टम में जो प्रॉफिट्स एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़मींदार
को जो भी प्रॉफिट्स होते एग्रीकल्चर सेक्टर से वो सारे ज़मींदार्स ले लेते थे लगान के रूप में, और जो मेन इंटरेस्ट था ज़मींदार्स का, उनका केवल इंटरेस्ट लगान को कलेक्ट करना था, वो कल्टीवेटर की इकोनॉमिक कंडीशन के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। और जो डेट्स होती थी उन स्पेसिफाइड सम्स को जमा कराने की, उन लगान को जमा कराने की, अगर वो ज़मींदार्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिक्स डेट पर नहीं करा पाते थे तो ज़मींदार से उनके राइट्स भी छीन ले जाते थे। एंड द ज़मींदार्स इन द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। सेकेंड पॉइंट इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बट इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रदर दैन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना मार्केट में बेचने के लिए, ना कि अपनी कंजम्पशन के लिए। ब्रिटिश रूल में फार्मर्स को हायर प्राइसेस दिए गए कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जो थी हमारी कॉटन और जूट। However, this did not improve the economic condition of farmers because instead of producing food crops, they were producing cash crops, which were to be ultimately used by British industries. तो हम कहते हैं कि ये जो फाइनली जो सारी चीज़ें यूज़ की जा रही थी, ये ब्रिटिश इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल की तरह उनको ले जाकर फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बेच रही थी, वो उन्हीं को सर्व कर रहे थे। दिस ब्रिटिश रूल प्रमोटिंग शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स From food crops to cash crops. Next point is low level of productivity. Low level of technology, lack of irrigation facilities and negligible use of fertilizers resulted in low level of productivity. And the cultivator had neither the means nor an incentive to invest in agriculture. Last point is adverse effect of partition. India's agriculture production received a further setback due to country's partition at the time of independence. India का जो agriculture production था वो उसमें बहुत ही तेज़ी से इफ़ेक्ट आया, क्योंकि हमारी कंट्री जब इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी कंट्री इसका पार्टीशन हुआ, और जो साइजेबल पोर्शन था हमारा अनडिवाइडेड कंट्री का, जो कि हाईली इरीगेटेड था, फर्टाइल था, वो पाकिस्तान में चला गया। एंड ऑलमोस्ट होल ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकेम पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, नाउ वी नो इट एज ए बांग्लादेश। इंडिया जूट गुड्स इंडस्ट्री विच हैड एन्जॉयड अ वर्ल्ड मोनोपोली सो फार सफर्ड हैवीली फॉर लैक ऑफ रॉ मटीरियल्स। एट लास्ट वी कैन से कि आप ही के पास ये मूवी के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपने ब्रिटिश रूल और ज़मींदार्स को प्रॉपरली देखा होगा, लगान एंड मदर इंडिया। थैंक यू।